अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेल्थ नेचर फाउंडेशन की तरफ से जो है ये काम जो किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वीकली मंथ में जो है 2-3 मरतबा काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से इस काम को आज अंजाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, वो लोग के लिए हम लोग ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से आज किया गया। अल्लाह के फजल करम से पूरे भाई हम लोग सुख साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेरोजगार लोग हैं, आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हुआ उन लोग को, सब जनों को। हम लोग भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि यंगस्टर्स को जो है आप लोग भी इसी तरीके का काम करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर देगा। रमजान का महीना है, लॉकडाउन का टाइम है, यही टाइम है गरीब लोगों की मदद करने का। आपके ज़कात फितरा जो ज़कात जो भी हो सकता आप इससे मदद करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस चीज़ का आपको अजर देगा। अल्लाह ने चाहा तो मेरी आवाम से तमाम तेलंगाना से गुजारिश है कि आप सब से जो भी हो सकता है ज़कात निकालिए, गरीब लोगों को मदद करिए। यही वो वक्त है मदद करने का, दोबारा बार ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला इस चीज़ का वक्त दिया है, घरों में इबादत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पैगाम है यंगस्टर्स को, जितने भी लोग हैं हमारी उम्र के जितने भी ये लोग हैं, कि वो लोग भी ऐसे ही हेल्प करें गरीब लोगों की। काफी लोग ऐसे खुददार लोग है, कोई बोल नहीं सकते, उनके घर पर जाके देना है। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है कि आपके जो है घरे घर दे रहे हैं लेके जाके। जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी लिस्ट बनाए हम लोग, नाम लिखे हैं। तो आप तमाम आवाम से गुजारिश है मेरे यंगस्टर से तेलंगाना के जो है आप लोग भी जो है एक रजिस्टर बनाइए। ये रजिस्टर में सबके नाम लिखिए, नाम लिखकर जो है जो भी मुस्तहिक लोग है, क्योंकि मैं तकरीबन देख रहा हूँ तेलंगाना स्टेट में जो है बहुत सारे ऐसे लोग के जो है बार बार लेते जा रहे हैं, जो मुस्तहिक लोग उनको मौका नहीं मिला इस चीज का। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग वाकई हकदार हैं, वाकई जो हकदार है उनको ये हक मिले। ऐसी एक जो एक फाइल बनाइए आप लोग, उनका नाम लिखिए, उनका एड्रेस लिखे, घरे घर पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाकुम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आपका भाई सैयद मोहसिन अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग नेचर फाउंडेशन का काम हर महीने में एक मर्तबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारा हर मंथली काम हो रहा है। और जैसा कि लॉकडाउन चलने की सूरत पे अभी तो हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है और वर्क भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जितने वीडियो से फोटोज से जो भी मौजूद रहते हैं, आटा चावल नमक जो भी बांटा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद में बांटा जाता है। जो हमारे पास फाइल है इसमें ये तकरीबन बेवा है, कुछ बच्चे यतीम हैं जो हम बांटते हैं। तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी काम करें, जैसे कि अभी आबिद भाई बोल रहे थे, बड़े भाई बोल रहे थे, हमारे अब्दुल भाई समी बोल रहे थे, कैसे आप मालूमत करके दीजिए, वाकई में जो जरूरतमंद है उन्हें दीजिए। और इस वक्त तो अल्लाह ताला अपने को ऐसा डबल मौका देता है, इसमें तो नेकी का डबल मौका है, बोनस मिलता है रमजान में। तो वैसे आप लोग अपना जकात निकाले, फितरा निकाले और जो जरूरतमंद है उसे पहुंचाएं। बस मेरी आप लोग से यही गुजारिश है और हमारे फाउंडेशन को सपोर्ट भी करें। हमारा फाउंडेशन है हेल्पिंग नेचर फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हेल्पिंग नेचर फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल से काम चल रहा है। अब तो लॉकडाउन है, अब तो बुरों को सब हद से ज्यादा सख्त जरूरत है। जो जरूरतमंद लोग है वो तो सामने आ रहे नहीं, जो असल में जिसको जरूरत नहीं है, जो लोग फिर रहे हैं, यहाँ से लेके आ ले रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं, घर में जमा कर ले रहे हैं। रमजान का टाइम है, आप लोग अगर अभी से ऐसे हरकत करेंगे तो अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। आप लोग ऐसे हरकत कर ले रहे हैं तो हम लोग जैसे हमारे बड़े भाई अभी बोले, वैसे बुक बनाए, बुक के अंदर कोई डिटेल्स डाल के जो असल मेन जरूरतमंद लोग हैं वो लोग को बांट रहे हैं। जो अब जैसे भाई बोले अभी यंगस्टर जितने भी लोग अगर बांटने का इरादा भी कर रहे हैं तो वो जो मेन जरूरतमंद लोग हैं वो लोगों को लेके जाके दिए। अब पब्लिक में 1 लाख जने आते तो 1 लाख जने जरूरतमंद नहीं रहते। मैं मानता हूँ बांटना सबको है, लेकिन जरूरतमंद को बांटिए, हक पे मिलता। अब बेकारी में सबको अगर जिसकी जरूरत नहीं है उनको ले आए बांटेंगे तो बात गलत, फायदा नहीं है उनको। देखे जो जरूरतमंद है उन्हें तो भूखे रह जाते, जिसका है उनका भरते जा रहा। तो आप लोग मेरे हिसाब से देखिए, पहले वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद दीजिए। जैसा हम लोग बुक बनाए आप लोग भी बुक बनाए, या फिर कुछ आपके हिसाब से कुछ और कीजिए, जैसा भी कीजिए जरूरतमंद को पहुंचाइए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हेल्पिंग नेचर फाउंडेशन की जानिब से इस महीने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतजाम किया है और जितने भी हमारे साथी है, सैयद मोहसिन अली साहब और आबिदुल्ला खादी साहब और मैं मोहम्मद अब्दुल समी, हम तमाम लोग मिलकर यही चाह रहे हैं कि जितने भी मुस्तहिक हैं उन तक ये राशन पहुंचे। और हमारा यही मकसद है
कोई भी गरीब ना रहे, और इंशाल्लाह आपको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हम यही वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इसमें ज्वाइन हो और लोगों की हेल्प करें।